ये क्या ये समझा जाए अश्विनी सिवाच साहब कि ये सिर्फ दम भरने की बातें हैं, हकीकत यही है? कभी हम देखते हैं उनका एम्फीबियन टैंक डूब रहा है, कभी हम उनका देखते हैं रॉकेट उड़ता है और नीचे गिर जाता है, अब हम देख रहे हैं कि फाइटर जेट चला वहां से लेकिन एक पंछी टकराया और इसको नीचे आना पड़ा। देखो बिल्कुल दिनेश, ये जो है चीन का प्रोपगंडा है। चीन बार बार कहता है उन्होंने एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 को एक प्रकार से डेवलप कर लिया है, वो टेस्टेड नहीं है, वो उसने कोई वार हार्डन नहीं है, कोई लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, और आने वाले समय के अंदर जब लड़ाई होगी तो उसको हमारे जो रफाल जैसे जहाज गिरा देंगे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड है। जैसे आपने बताया कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अंदर इतनी क्षमता है, अगर पक्षियों का झुंड आता है तो वो या तो रास्ता बदल लेता है या पक्षियों से अलग हो जाता है। तो ये क्षमता अगर नहीं है चीन के एयरक्राफ्ट में तो ये एक विडंबना है। ये सच्चाई यह है कि इनके जो एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन या 4.5th जनरेशन नहीं है, वो 3rd जनरेशन के ही एयरक्राफ्ट है और ये झूठ बोल रहा है और असलियत आप दिखगी। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।